दुमका में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान जिलेटिन और डेटोनेटर को बरामद करने में पुलिस कामयाब रही। दुमका पुलिस ने एक पिकअप वैन से 100 कार्टून में 20,000 पीस जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किया है। विस्फोटकों को दूसरे राज्यों से चोरी छिपे तरीके से झारखंड लाया जा रहा था। वहीं एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा ने बताया कि पुलिस विस्फोटकों की तस्करी में शामिल छात्र गैंग के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगी। 28/11 को एसपी साहब के निर्देश पे और गुप्त सूचना मिली हुई थी कि दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग जो है कि NH 114A में बारूद का जखीरा है, गाड़ी पार होने वाला। उसी के क्रम में थाना प्रभारी के नेतृत्व में जगह जगह पे वाहन चेकिंग लगाया गया था और उसी के आलोक में एक तेज़ गति से टाटा पिकअप वैन भाग रही थी और जो अनियंत्रित होकर के पलट गई और उसमें हम लोगों को बारूद का जखीरा प्राप्त हुआ है और उसी में कांड दर्ज किया गया है। क्या है और कितनी मात्रा में? इसमें करीब 100 कार्टून है जिलेटिन और पावर जेल है 100 कार्टून और करीब 6 बंडल जो है कि डेटोनेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। करीब लगभग 20,000 पीस पावर जेल है और 20,000 के आसपास में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है लगभग में। ये माल किसका था और कहाँ से आ रहा है? ये माल हम लोग को अनुसंधान में जानकारी मिली है कि आसनसोल से माल आ रहा था और उसमें से कुछ कागजात मिले थे, उसी के आधार पर हम लोग नम्ड केस किए हुए हैं। करीब लगभग पाँच लोगों पर FIR हुआ है। गिरफ्तारी भी है? गिरफ्तारी की नहीं है। ये लोग कहाँ के हैं सर? ये लोग तो आसनसोल के, आसनसोल और रानीगंज के लोग हैं। इसका मतलब कि अंतर्राज्यीय ये गिरोह है? जी, अंतर्राज्यीय गिरोह है और हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। साफ है कि इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक पदार्थ को किसी बड़े मकसद के चलते ले जाया जा रहा था। वहीं लगातार बढ़ते अपराध के साथ ही दुमका अब हथियार तस्करों का अड्डा बनता जा रहा है, इसलिए आगे किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा।